इस दुनिया में जो सबसे मतलब शानदार जीवन जी रहे हैं, जिनको पहनचो लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इधर से उधर हो, सूरज पश्चिम से हो, चांद में रोशनी हो ना हो, अपना देश पहनचो कहाँ बढ़ा जाए, कोई टेंशन नहीं। वो सबसे सुकून की जिंदगी जीते हैं, वो हैं अपने भारतीय बेवड़े, मतलब अपने जो अपने यहाँ के जो दारू पीने वाले भारतीय बेवड़े, मतलब उनकी ज़िंदगी में जो अगर मतलब आप लोग अगर देखे होंगे तो इतनी शानदार रहती है, इतनी शानदार रहती है कि मुझे क्या ही बताएं। तो उनकी ज़िंदगी देख के हम टटर अंबानी भी शर्मा जाते होंगे कि बहनचोद हमारे पास तो इतना रुपया है और हम सुकून नहीं है हमारे पास बहनचोद, है दुनिया भर की बातें और इतनी सुकून कैसे रहते बहनचोद। तो उनके पास वो खास चीज़ होती है, टैलेंट होता है, ऐसे थोड़े नहीं बहनचोद बन जाते हैं। अरे अपने इंडिया के बेवड़े बनने के लिए ना बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है बहनचोद, इस तरह का सपोर्ट करना करने के लिए बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे थोड़े बन जाते हैं इंडियन बेवड़े बहनचोद। सुकून ये बहुत मेहनत में आता है। अब इसे पूछो सुकून कहाँ का कहा से आता है, पूरी जिंदगी बिचा रही है जब से मतलब बेवड़े का अपनी सफर शुरू करते हैं तब से लेके पहले पहले लगा लगाते हैं ज़मीन से, मान लीजिए 10-12 बीघा ज़मीन है, जो साल 2 साल में पहले वो निपटाएंगे, 2-3 साल लगेंगे उनके कि अपनी ज़मीन ने निपटाएंगे बढ़िया से और बढ़िया से उनको पूरी तरह से साफ करेंगे ज़मीन पूरी, फिर घर पर रंग धरेंगे, घर धीरे धीरे अपन पूरा बेच जीत देंगे और फिर घर में जो सामान होगा बहनचोद सोना चांदी मम्मी अपने थोड़ा मतलब सब सामान होगा वो भी बेचेंगे, फिर धीरे धीरे अपना खून बेचने लगेंगे, किडनी तक बेच देते हैं बहनचोद सेक्रीफाइस। और उसके बाद अपने दर के दूसरे एरिया में देखेंगे, उनको भी अपने दोस्त करेंगे बनाएंगे और फिर उनको भी मतलब यही तब प्रक्रिया उनकी करवाएंगे। सुकून जो मतलब सुकून जिसको चाहिए उसको मतलब ये सब करना पड़ेगा। और फिर मतलब ये सब करते 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 3-4 साल लगते हैं बहनचोद, उनको 3 बार सेक्रीफाइस करते हैं और फिर जाके कहीं जब कुछ नहीं बचता, न ज़मीन न जायदाद न घर न बकरी न कुछ भी बचता है, तब वो संतुष्टि सुकून इन्जॉय जिंदगी का असल मज़ा आता है। तो बहनचोद का तो टाटा अंबानी का सुकून कभी पाएंगे जान पाएंगे, हमारे इंडियन बेवड़े जो हैं वही ये सुकून पा सकते हैं, वही ये सेक्रीफाइस करने की क्षमता रखते हैं। अरे दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, कोई 0.1% ऐसा सेक्रीफाइस करने का त्याग करने का जिगरा होना चाहिए बहनचोद, ऐसा त्याग ऐसा सेक्रीफाइस ऐसी हिम्मत है जुटाने के लिए जिगरा चाहिए बहनचोद, वो सबके पास नहीं होता इस तरह से। इसीलिए आजकल टापर बन सकते हैं, टट्टा बन सकते हैं, अंबानी बन सकते हैं, मेहनत करो, लेकिन इंडियन बेवड़े शराबी बनना बहुत मुश्किल बहनचोद, वो खास किस्म के लोग ही बन पाते हैं इसे। तो एक नारा हम तक कहिए, जय इंडियन ब्योरे, जय इंडियन शराबी। भाई आप लोगों को सैल्यूट है जो ये सेक्रीफाइस करते हैं बहनचोद, हमको भी इस शक्ति मिल जाए, काश हम भी इसे आपके ऐसे ही सकारात्मक धैर्यवादी होते बहनचोद, सुकून मिल जाता। भाई सैल्यूट है, भाई सैल्यूट जो भी इस तरह का काम करते हैं, सैल्यूट उनके पास, मतलब भाई ऐसा काम बहनचोद इंडिया का नाम रोशन करो, जय इंडियन ब्यूरो, जय करा इंडियन ब्यूरो के नाम, सैल्यूट भाई।